Hello students, I'm Kalpana and in this video we'll study chapter 1 of class 5, that is solids, liquids and gases. But before starting this topic, we should know about matter. What is matter? Because we know that solid, liquids and gases are three states of matter. But before studying about states of matter, we should know first that what is matter. So what is matter? Students, anything and everything which you see around yourself is matter. जो भी आपको दिखता है अपने आस पास, चाहे वो एक नॉन लिविंग थिंग है चाहे वो एक लिविंग थिंग है, तुम एक क्या देख पा रहे हो इस वक्त? ये चौक देख लो, ये ब्लैक बोर्ड देख लो, ये वॉल देख लो, या अपने आसपास की किसी भी चीज़ को देख लो, वो सब की सब चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं? मैटर से बनी हुई हैं. सो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसका कोई भार होता है, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कुछ भार होता है और वो जगह को क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है. अगर मैं इस चौक की बात करूँ या मैं इस डस्टर की बात करूँ, तो इस डस्टर का क्या है? एक स्पेसिफिक वेट है, इसका कुछ ना कुछ वेट है. और अगर मैं इसे किसी जगह पर रखती हूँ, जैसे मैंने इसे यहाँ पर रख दिया, तो ये क्या कर रहा है? एक जगह घेर रहा है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. मतलब इसका एक पर्टिकुलर क्या है? वॉल्यूम है. ये कुछ ना कुछ स्पेस क्या कर रहा है? ऑक्यूपाई कर रहा है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका भार होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो कुछ जगह को घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर. सो अब मैटर बना किस चीज़ से होता है? अभी मैटर की डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर ये मैटर बनता कैसे है, किस चीज़ से बनता है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो मैटर किससे बनता है? बिल्कुल टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, वी कैन ओनली सी देम अंडर माइक्रोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते. सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स. अभी यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि अभी अगर ये सभी चीज़ें पार्टिकल से बनी हुई हैं, मॉलिक्यूल से बनी हुई हैं, मैटर है ये सब चीज़ें, तो ये डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट क्यों करती है? कोई चीज़ सॉलिड क्यों है, कोई लिक्विड क्यों है, एंड और अदर थिंग्स आर गैसेस, जैसे कि गैसेस हैं ना, तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स क्यों हैं मैटर की? तो ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है? ये डिपेंड करता है उनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पे, कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पढ़ा ना कि टाइनी टाइनी पार्टिकल्स जिनको मॉलिक्यूल्स बोला, तो वो डिपेंड करता है कि उन मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट क्या है, वो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं. ठीक है, तो अभी ये अभी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ यही पढ़ाने वाली हूँ. तो चलो शुरू करते हैं. डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. सो वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. सबको पता है, बहुत सिंपल है. तो देखो ये एक डायग्राम बनाया हुआ मैंने, तो यहाँ पे इस डायग्राम में मैंने अभी क्या बनाई हुई, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं जिससे क्या बनता है? मैटर बनता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम ये थ्री डायग्राम्स देख पा रहे हो. इन तीनों डायग्राम्स में जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है, ये देखो ये तीनों डायग्राम में डिफरेंट है. फर्स्ट अरेंजमेंट में तुम देख पा रहे हो, और ये सॉलिड्स में होता है, ऐसा सॉलिड्स में होता है. आप सबको पता है सॉलिड्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं. जैसे कि ये देखो, ये एक डस्टर है, ये इवन ये चौक है, अगर मैं इसको कंप्रेस करूं तो ये दबेगी नहीं. ये दबेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है. क्यों ये सॉलिड है? अभी मैंने बताया कि क्यों जो ये अपने पार्टिकल से सब चीज़ें बनी है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसेज है, क्यों? ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. अभी ये देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है. देखो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो क्या है? नेग्लिजिबल है, एक तरीके से ना के बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल ही कम स्पेस है. तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये मूव ही नहीं कर पाते, ये एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाते. समझ आ रहा है? जब ये मूव नहीं कर पाते, इस वजह से सॉलिड्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? टाइटली
पैक्ड होते हैं, समझ आ गया इतना सा, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। अभी सेकेंड लिक्विड्स पे आ जाओ, अभी लिक्विड्स में देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है लेस क्लोजली पैक्ड है, लेस क्लोजली पैक्ड है, मतलब इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो, ये देखो, ये देखो बहुत ज्यादा स्पेस है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इस वजह से तुमने देखो लिक्विड्स, लिक्विड्स क्या करते हैं, जैसे कि ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। अगर तुम इस पानी को, मान लो ये पानी फ्लोर पे गिर गया, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये फ्लो करेगा, ये या तो डाउनवर्ड्स फ्लो करेगा या साइडवेज फ्लो करेगा, ये अपवर्ड्स कभी फ्लो नहीं करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी, कभी देखा है पानी को उल्टा बहते हुए, नहीं। तो ये क्या करता है, ये या तो डाउनवर्ड्स फ्लो करता है या साइडवेज फ्लो करता है, तो ये फ्लो करता है। और इसको ये एबिलिटी कहाँ से मिलती है, इसकी मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे भूल गई बताना, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, टाइटली पैक्ड है, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं ना, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, ये क्या होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिक्विड्स हैं, तो लिक्विड्स में क्या आ जाता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर पाते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर पाते हैं। इसी की वजह से पानी क्या करता है, फ्लो कर पाता है। लिक्विड्स, इवन नॉट वाटर, जूसेस, मिल्क, वो सब क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, है ना, उन वो क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन तुमने ऐसा 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 नहीं होता कि पानी जो है वो अलग अलग हो जाए, समझ आ रही है, कि एक तरफ पानी उधर चला जाए, एक तरफ पानी इधर चला जाए, ऐसा नहीं होता। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इनके बीच में फोर्स जो है वो थोड़ी सी वीक तो है, लेकिन इतनी वीक नहीं है कि ये मॉलिक्यूल्स अलग ही हो जाए, समझ आ रही है। जो जो फोर्स है ये मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के तो रखती है, लेकिन उसको कौन सी एबिलिटी प्रोवाइड करती है, फ्लो करने की एबिलिटी, समझ आ गया। नेक्स्ट इज गैसेस। अभी गैसेस में देखो ये कितना ज्यादा गैप है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं, मतलब अब स्पेस इंक्रीज हो गया, तो मतलब जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, वो फोर्स जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती थी, वो फोर्स भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बहुत फास्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं, बहुत फास्टली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से इन्हें एक प्रॉपर्टी मिलती है, वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी देखो गैसेज हैं, गैसेज को हम देख नहीं सकते, क्योंकि गैस क्या होती है, कलरलेस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता, लेकिन तुमने देखा होगा कि फिर भी हम गैस को ना क्या कर सकते हैं, पता लग जाता है कि गैसेस का। देखो जैसे कहीं पे कोई धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है, तो तुम देखते हो कि स्मोक आता है व्हाइट कलर का, तो वो क्या होती है, वो गैसेस होती है। लेकिन अभी उसमें क्या मिक्स हो गया, वो ब्लैक कलर मिक्स हो गया है ना, इवन वो स्मोकी कलर मिक्स हो गया, इस वजह से हवा को क्या मिल गया, कलर मिल गया, और इस वजह से हम क्या देख पाते हैं कि जो धुआं उठ रहा है, तो इस तरीके से हम हवा को क्या कर सकते हैं, देख पाते हैं। हम हवा को फील तो हमेशा ही कर पाते हैं ना। और अगर तुमने एक एग्जांपल देखना है कि हवा, देखो मैंने अभी बताया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, उसकी वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। और इसकी वजह से एयर को कौन सी क्वालिटी मिलती है, देखो एयर भी फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, ये तो कहीं भी पहुंच जाती है ना, इसको अंदर आने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं है, है ना ऐसा। तो देखो ये अभी ये बलून है, अभी ये बलून है, इस बलून के अंदर क्या भरी हुई है, एयर, एयर भरी हुई है, भरी हुई है, समझ आ रहे हो। तभी तो इसकी शेप क्या है, ये एक्सपैंड हो गया, इसको क्या किया, इसको ब्लो किया, इसमें हवा है, तो अभी ये क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म में, अभी एक्सपैंडेड है। अगर मैं इसको क्या करूं, इसको इसकी हवा निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो एयर की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इतना सा समझ आ गया। चलो अभी इसकी जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। सॉलिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फिक्स्ड शेप। सॉलिड्स की क्या होती है, ऑलवेज फिक्स्ड शेप। क्या कैसी शेप होती है, फिक्स्ड शेप। जैसे कि ये क्या है, सेल फोन, मोबाइल है, तो इसकी कैसी शेप है, फिक्स्ड शेप। कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर। कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। कैसी शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। अभी ये क्या है, ये एक बॉक्स है,
इसकी शेप भी रेक्टेंगुलर है, इसकी फिक्स शेप है, समझ आ रही है। इसको मैं ऐसे दबाऊं कुछ करूं, ये क्या है, सॉलिड है। इसकी शेप को डिस्टॉर्ट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये टूट जाएगा, लेकिन इसकी शेप क्या है, फिक्स्ड है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, एंड वॉल्यूम, इसका शेप भी फिक्स्ड है एंड वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। वॉल्यूम मतलब ये जो जगह ऑक्यूपाई करेगा वो भी क्या है, फिक्स्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इतना इतना स्पेस ले रहा है तो थोड़ी देर के बाद इतना स्पेस लेगा, ये एक्सपैंड नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्सपैंड नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब इसकी शेप भी फिक्स्ड होती है, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये इनकम्प्रेसिबल होता है, मैंने बता दिया, ये दबता नहीं है। जैसे ये चौक है, दब नहीं रही, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकती। सेकेंड इज रिजिड, रिजिड पता है हार्ड होती है। अभी देखो लिक्विड की अगली, लिक्विड की प्रॉपर्टी देखो, नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है। जैसे कि ये बॉटल है, अभी इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, तो इस पानी ने किसकी शेप ले लिया, इस बॉटल की। अगर मान लो मैं इसको, जैसे अपना कोल्ड ड्रिंक होता है कोका कोला, कोका कोला की बॉटल में डालती हूँ, तो ये कैसी शेप ले लेगी, उस बॉटल की शेप ले लेगी। अगर मैं इसको गिलास में डालती हूँ, तो ये पानी किसकी शेप ले लेगा, उस ग्लास की शेप ले लेगा। तो ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। मान लो ये वन लीटर ऑफ वाटर है, एक लीटर पानी है, तो अगर मैं इसे दूसरे बर्तन में डालूंगी तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, दैट इज वन लीटर, वो कम नहीं होगा। अनलेस अगर वो नीचे नहीं गिर जाता, थोड़ा पानी स्पिल ना हो जाए, तब तो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी में ट्रांसफर कर रही हूँ किसी दूसरे कंटेनर में, तो क्या होगा, शेप तो चेंज हो जाएगी वाटर की, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वन लीटर ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी इज इनकम्प्रेसिबल। देखो अभी ये जो लिक्विड्स होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तुम अगर तुम हाफ फिल्ड बॉटल है, आधी भरी हुई बॉटल है, अगर तुम उसको दबाओगे तो तुम सोचते हो वो तो दब जाती है, लेकिन वो पानी नहीं दब रहा है, वो क्या दब रहा है, उसमें जो भरी हुई जो एयर है ना, वो एयर कंप्रेस हो रही है, समझ आ रहा है। ये बॉटल भी देखो थोड़ी सी एम्प्टी है, अगर मैं यहां से दबाऊंगी तो ये कंप्रेस होगी, लेकिन मैं लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर रही हूं, मैं किसको कंप्रेस कर रही हूं, यहां पे एयर फिल्ड है, ये जो खाली जगह है ना, यहां पे हवा भरी हुई है, मैं उसको कंप्रेस कर रही हूं, समझ आ रहा है। और इस बॉटल को कंप्रेस करने के लिए तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, सुपरवुमन बनना पड़ेगा, बहुत पावर चाहिए, है ना। चलो, तो इसका हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। थर्ड, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं, सिंपल, लिक्विड्स फ्लूइड होते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ये सबको पता है। तुमने कई बार दूध गिराया होगा, पीते पीते पानी का गिलास भी गिराया होगा, सबको पता है कि क्या करते हैं, फ्लो। रिवर फ्लो करती है, वाटरफॉल, पानी, झरना कैसे बहता है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आता है, ऑलवेज फ्लो करता है ना, फ्लो। तो इसकी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड। नेक्स्ट इज गैसेस। तो गैसेस देखो, गैसेस की नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही इनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, ये तो तुम्हें पता ही है। अभी बलून में है तो बलून की शेप ले ली, अगर तुम इसे अपनी साइकिल के टायर में या कार के टायर में हवा को पंप करोगे तो ये वो शेप ले लेगी, समझ आ रहा है। अभी अगर मैं अपने माउथ में हवा भरती हूँ तो क्या होता है, माउथ की शेप ले रहा है, तो क्या होता है, ये जिस कंटेनर में डालोगे, जैसे लिक्विड्स है, जिस कंटेनर में डालोगे वैसी शेप ले लेगा। लेकिन लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता था, इनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। अभी देखो, जैसे कि ये जो हवा है अभी बलून में है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इस बलून में मैं क्या करती हूँ, क्या ये सिर्फ इस बलून में इतनी हवा आ सकती है, नहीं। अगर मैं इसमें और हवा पंप करूंगी तो ये क्या होगा, इसी बलून में क्या होगी, और एयर क्या हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी, समझ आ रहा है। तो सिंपल है कि इसका कोई भी, लेकिन जैसे कि ये पानी की बात की थी, समझ आ रहा है, तो पानी को अगर मैं दूसरे इसमें डालूंगी तो ऐसा नहीं होगा कि 1 लीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा पानी, एक्सपैंड हो जाएगा, नहीं, वो पानी की क्वांटिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मतलब पानी एक्सपैंड नहीं कर सकता, पानी क्या नहीं कर सकता, एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन हवा क्या कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है, समझ आ रही है, बहुत ज्यादा स्पेस है, और हम इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, समझ आ रही है। इस बलून में मैं बहुत बहुत ज्यादा हवा भर सकती हूँ, जब तक ये बलून क्या नहीं होता, बर्स्ट नहीं हो जाता, मतलब इसको इतना बड़ा भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हवा क्या हो सकती है, कंप्रेस, एक ही बलून में कितनी भी हवा भर लो, तो हवा की क्या प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेस होना एंड एक्सपैंड होना। तो इसका ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ना इसकी फिक्स शेप होती है, और ये कंप्रेसिबल होती है। देखो भाई, कंप्रेसिबल है, दब रही है, कंप्रेसिबल है,
कंप्रेसिबल. अगला है, ये भी फ्लूइड होती है, फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, कहीं भी एंटर हो जाती है ना, तो ये तो तुम सबको पता है. चलो जल्दी से करते हैं, थोड़ा सा बच गया. ये मैंने बता दिया, इंटरमॉलिकुलर स्पेस भी मैंने बता दिया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स भी मैंने बता दिया. समझ आ गया ये टॉपिक सबको, क्लियर हो गया मुझे लगता है, हो गया. ठीक है, तो बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू स्टूडेंट्स.